इस ग्राम सभा के अंडरपास बना हुआ है, उस समय नेशनल हाईवे रोड पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है जहाँ पे अंडरपास बनाता था, यहाँ जलमग्न हो जाता था, जिसके वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां जो है ग्राम सभा के लोगों में। प्रधान जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज का कार्यक्रम सर, इस रोड के दोनों तरफ एक नाला, एक बहुत बड़ा नाला का शिलान्यास किया गया है, जो हमारे वर्षों से, बहुत दिनों से इसको हम लोग खोज रहे थे, हमारे गांव की जनता खोज रही थी कि हमें एक नाला बन जाए और हमारे गांव का एक विकास हो, लेकिन बहुत मुसीबत से ये हमें एक नाला पास किया गया है, जो आज इसी का हमारे गांव के सभी जनता के साथ पास कराने में आपको काफी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जी, हम इस नाला को पास कराने के लिए मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन नहीं पास हो पा रहा था। मैं इसको पास कराने के लिए माननीय राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी को मैं अपने घर पर बुलाया और उनसे मैं ये नाले के विषय में, गांव के पानी के विषय में मैं उनको अवगत कराया और मैंने कहा सांसद जी को कि सर, अगर हमारा नाला नहीं बना तो हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है। मैं उनको ले आके एक अंडर पास सामने बना हुआ है, वहाँ पर गया तो घुटने भर पानी लगा हुआ, तो वो दिखाया और बोला सर, अगर हम नाला नहीं बनाएंगे तो वो अंडर पास बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने देखा तो बोला ठीक है प्रधान जी, आप मेरे साथ चलिए दिल्ली और आपका प्रॉब्लम को मैं हल करूंगा, आपका नाला मैं पास कराऊंगा। तो उनके साथ हम दिल्ली गए और दिल्ली जाके उन्होंने माननीय नितिन गडकरी जी से इस नाले को प्रस्ताव रखा गया और तुरंत उसी वक्त माननीय नितिन गडकरी जी ने इस नाले को तुरंत, मैं माननीय राज्यसभा सकलदीप राजभर जी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि आज हमारे दरवाजे पर आए और उनको मैं बताया और मेरी सारी समस्या को उन्होंने हल किया और मैं आभारी हूँ। हवन पूजन किया गया है और इस हवन पूजन को लेकर के ये जो यहाँ पे पूर्वी सिरा जो 4 लाइन से लगा हुआ है, जो नाला है, इस नाले का निर्माण करने का जो कार्य है, ये इसरावती पति जो दहीचंद राजभर पर ग्राम सभा सरोज के पूजन हुआ है, जो यहाँ अंडर पास है वहाँ इतना काफ़ी बारिश की वजह से जल जमा हुआ था। इस जल जमाव से पूरा इधर का 75% आबादी एकदम प्रभावित थी जल जमाव से। सारे लोग, हम लोग मिल करके कई बार मीडिया के सामने अपनी बात को कहे और अधिकारियों के पास गए। मैं अब हम पूरी जनता लेकर के माननीय प्रधान जी, इसरावती देवी पत्नी दहीचंद राजभर के, हम लोग यहाँ जो पानी का समस्या बहुत जटिल था, जिस तरह से इधर जो है अंडरग्राउंड जो है बना था उसमें पानी जल जमा बहुत होता है, आज भी है। और इधर जो है कि हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारे गांव का जो है कि कभी भविष्य जल में न चला जाए, इसलिए मैंने, हम लोग सारे लोग मिल करके एक ग्राम प्रधान इसरावती देवी और श्री दहीचंद राजभर जी के पास गए और कहे कि भैया यहाँ अगर जो नहीं पानी का निकास होगा तो ये जो है कि गांव कभी भविष्य में डूब सकता है। ये कार्यक्रम जो अभी भूमि पूजन का किया गया नाले के संबंध में था। बाबूलाल जी, यहाँ काफी दिनों से ये समस्या बना हुआ था, ये किसके द्वारा ये बनाया गया है? ये हम लोग देखिए, ये पानी की समस्या बहुत ही जटिल थी, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, डीएम को लेटर लिखे, पीडी को लेटर लिखे, कितने कार्यक्रम अधिकारी को हम लोग लेटर लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर राज्यसभा के सांसद सकलदीप राजभर को हम लोग उनके वहां गए, उनसे बातचीत किए, बातचीत करने के बाद उनको घर पे लेके आए, दिखाए, पूरा नाला दिखाए, इस नाले को पास कराया, उनका बहुत बहुत आभार हम लोग व्यक्त करते हैं।